हेलो क्लास 7 बेटा, चैप्टर नंबर 3 नेचुरल फाइबर्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 3 पेज की रीडिंग आज हम करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन की रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई सजेस्ट यू हर एक पैराग्राफ की मीनिंग को रीडिंग करके आप बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है बेटा? तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जितने अच्छे से आपको चैप्टर की रीडिंग समझ में आ जाएगी उतना अच्छा आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे। जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं सभी का आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने आप भी राइट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और पहले पैराग्राफ पर आ जाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, नाउ स्टार्टिंग, यू हैव लर्नड इन द क्लास 6 अबाउट द नेचुरल फाइबर्स कॉटन एंड जूट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। आपने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था 6 में कि नेचुरल फाइबर जो हमारे कॉटन और जूट होते हैं ये प्लांट से हमें मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नेचुरल फाइबर्स वूल एंड सिल्क। जो सिल्क और वूल नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में आज आप पढ़ने वाले हैं। वेयर डू वी गेट दीज फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, आपको ये पता होना चाहिए, दैट दीज एनिमल फाइबर्स आर ऑब्टेंड मोस्टली फ्रॉम शीप एंड सिल्क वॉर्म, कि ये जो एनिमल फाइबर्स होते हैं ये हमें मिलते हैं बेटा सिल्क वॉर्म से, यानी रेशम के कीड़े से, और शिप यानी भीड़ से। दीज नेचुरल प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स, ये नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वेराइटी के कपड़े बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में। वैन यू टच दीज फैब्रिक, जब आप इन कपड़ों को छूते हैं यू कैन फील दियर टेक्स्चर, आप उनका टेक्स्चर महसूस कर सकते हैं। आर नॉट दे डिफरेंट, क्या वे डिफरेंट नहीं है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दियर डिफरेंस इन टेक्स्चर एंड वीविंग दैट क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस फाइबर आर वॉन डिफरेंट ओकेजन, क्योंकि ये इनसे, इन नेचुरल जो हमारे फाइबर्स हैं इनके द्वारा जो बने हुए कपड़े हैं वो अलग अलग ओकेजन के लिए बनाए जाते हैं, तो उनके डिफरेंस होता है टेक्स्चर में और बुनने के तरीकों में, बनाने के तरीकों में, ठीक है? वी प्रेफर वेयरिंग क्लॉथ्स दैट सूट द सीजन क्लाइमेट कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस, हम अपने आराम के लिए है ना, और क्लाइमेट के अनुसार हम कपड़ों को चूज़ करते हैं, बनाते हैं, पहनते हैं, ठीक है? वी प्रेफर वेयरिंग क्लॉथ्स, हम प्रेफर करते हैं कपड़े पहनना दैट सूट द सीज़न, जो हमारे सेशंस को सूट करते हैं, जैसे गर्मी में हम कॉटन के पहनते हैं, विंटर में वूलन पहनते हैं, ठीक है? इस तरह से क्लाइमेट कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस, हमने अपने कम्फर्ट के लिए और कन्वीनियंस के लिए है ना प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर हम जाड़ों में कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। दैट प्रिवेंट्स अवर बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, जो हमारी बॉडी की हीट को बचाते हैं बाहर निकलने से, है ना? इन समर वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स दैट आर लाइट कलर्ड एंड लूज, हम गर्मियों में कपड़े कौन से पहनते हैं, सूती कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जो लाइट कलर्ड होते हैं, हल्के कलर के होते हैं और लूज यानी ढीले होते हैं। दीज क्लॉथ्स एब्जॉर्ब अवर स्वेट, ये कपड़े हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड रिफ्लेक्ट द हीट, और हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सो वी फील कंफर्टेबल, तो हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। लाइकवाइज सिल्क इज प्रेफरेबली, इसी तरह सिल्क जो है प्रेफरेबली वर्न इन विंटर, विंटर में पहना जाता है सिल्क को। वाट इज़ कॉमन टू ऑल दिस फैब्रिक, इन सब में कपड़ों में फैब्रिक्स में क्या क्या कॉमन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर सोर्स ऑफ प्रोड्यूस, के उनके प्राप्त करने का जो हमारा तरीका है वो क्या क्या सेम है, क्या क्या कॉमन है। ऑल दे ऑल मेड अप ऑफ फाइन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, ये एक फाइन धागे से, एक तंतुओं से मिलकर बनते हैं जिनको हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है? दीज फाइबर्स आर आइदर कंटिन्यूस फिलामेंट्स और लॉन्ग थ्रेड लाइक पीसेज, ठीक है? तो ये जो हमारे फिलामेंट्स की तरह के कंटिन्यूस लॉन्ग थ्रेड होते हैं, है ना, पीस भी होते हैं, लाइक पीसेज, पीसेज की तरह भी होते हैं लंबे टुकड़े की तरह, है ना, और फिलामेंट की तरह भी होते हैं लंबे। लेट अस लर्न मोर अबाउट एनिमल फाइबर, चलिए अब हम कुछ और ज़्यादा जानते हैं एनिमल फाइबर के बारे में। सबसे पहला जो हमारा आता है वूल आता है बेटा, तो वूल क्या होता है, कैसा हम प्राप्त करते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जरा उसके बारे में देख लेते हैं। वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट, शिप यानी भेड़ और गोट बकरी, बकरी और भेड़ की फ्लीस यानी उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं
उनको फिलिस बोलते हैं एक तरह से, तो हम उनसे प्राप्त करते हैं। इट इज़ आल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, कैमल एंड याक। हम इसको यानी ऊन को रैबिट्स, कैमल्स एंड यॉक के हेयर से भी प्राप्त करते हैं। द फ्लीस और हेयर्स दैट कवर द एनिमल्स बॉडी ट्रैप एयर एंड कीप देम एनिमल वार्म। तो ये जो फ्लीस या हेयर होते हैं ये कवर करते हैं एनिमल बॉडी को, है ना, ट्रैप इन एयर और कीप एनिमल्स वार्म, और एनिमल्स को क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल, यानी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वूल की, हम वो बता देते हैं। वूल फाइबर आर कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन, इफ वूल सैंपल्स आर बर्न्ड दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। बेटा वूल फाइबर जो होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल प्रोटीन होता है। यदि हम किसी एक सैंपल को, एक छोटा सा सैंपल लें, एक छोटा सा टुकड़ा लें हम अगर ऊन का और उसको जलाएं, दे इमिट स्ट्रॉन्ग स्मेल, तो वो बहुत तेज क्या करते हैं, स्मेल निकालते हैं, गंध जिसे हम कहते हैं, गंध निकालते हैं ऑफ बर्निंग एयर। तो हमें एक तेज गंध आती है, है ना, स्मेल आती है किस चीज़ की, बर्निंग हेयर, बाल जलने की। वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, जनरली यानी सामान्य तौर पे जो वूल होती है वो वाइट क्रीमी तरह की कलर की होती है। वूल हैज़ स्केल्स एंड इट इज़ क्रिम्ड बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ ए ग्रेट बल्क देन अदर टेक्सटाइल्स। देखिए वूल क्या होती है, एक छोटे छोटे आप जानते हैं उनकी बॉडी पर जितने हमारे हेयर्स होते हैं, गॉट हो गए, फिश हो, है ना, गॉट हो गई है, शिप हो गई है, तो वो जो उनके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, यानी वूल्स उसी से तो प्राप्त करते हैं हम, ठीक है। तो वूल्स क्या होती है, स्केल्स होते हैं वूल्स में, यानी वो क्रैम्प्ड होती है, वो सिकड़ी हुई होती है, ठीक है, छोटी और सिकड़ी हुई होती है, लेकिन जब उसको खींचते हैं तो वो कितनी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी होती है। बिकॉज ऑफ विच, तो इसी के कारण, इट हैज़ ए ग्रेट बल्क, तो ये क्या हो जाती है, बहुत मात्रा में प्राप्त होती है, देन अदर टेक्सटाइल, अदर जो हमारे कपड़े होते हैं टेक्सटाइल्स होते हैं उनसे ज़्यादा जो है ये हमें प्राप्त हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू ट्रैप एंड रिटेन ए लॉट ऑफ एयर। इस प्रॉपर्टी का क्या हेल्प होता है, इट ट्रैप एंड रिटेन, ये ट्रैप करती है और रिटेन करती है बहुत ज़्यादा एयर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। वूल डज नॉट रिंकल ईजिली, रिंकल जल्दी से नहीं होती है। इट हैज़ ए नेचुरल रेजिस्टेंस टू डर्ट, ये नेचुरल रेजिस्टेंस रखती है डर्ट के विरुद्ध, यानी कि जल्दी से या तो गंदी नहीं होगी ना, ठीक है। रेजिस्टेंस टू डर्ट, डर्ट माने क्या होता है, गंदगी होती है, ठीक है, आप जानते हैं जैसे डर्टी माने गंदा होता है ना, तो डर्ट, धूल वगैरह एसेट्रा से ये रेजिस्टेंस रखती है। वूल एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू 1/3 ऑफ इट्स वेथ, वूल एक ऐसी क्वालिटी रखती है कि वो मॉइस्चर को अपने वेट के 1/3 को एब्जॉर्ब कर लेती है। विदाउट लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, अपनी किसी प्रॉपर्टी को बिना लूज किए, विदाउट द फीलिंग ऑफ डैम्पनेस, यानी ये डैम्प नहीं होती है, ये अपनी जो क्वालिटी है उसको नहीं खोती है, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस टू मोर ऑर्गेनिक एसिड्स, ये प्रतिरोधक होती है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड के, यानी कि ऑर्गेनिक बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिक एसिड होंगे जिसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, अधिकतर ऑर्गेनिक एसिड का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कैन डैमेज इट, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, वो इसको डैमेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। वूल यील्डिंग एनिमल, वूल यील्डिंग एनिमल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको जिससे आप अच्छे से देख पाएंगे। चलिए देखिए, अब है हमारा सबसे पहले गॉट, ठीक है, बात करते हैं अंगोरा गॉट की। अंगोरा गॉट, इट फाइंड्स इट्स ओरिजन इन टर्की, इन टर्की, ठीक है, ये कहाँ मिलती है हमें, ये कहाँ पाई जाती है, इसके ओरिजिन में, ओरिजिन कहाँ है इसका, टर्की में है, ठीक है, टर्की, फ्रॉम द अंगोरा रीजन, कहाँ पर है ये, अंगोरा रीजन में। द फ्लीस ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गॉट इज ऑफ हाईली क्वालिटी एंड हैज़ वेरी स्मूथ फील। देखिए अंगोरा गॉट जो होती है इससे जो हम फ्लीस ऑब्टेंड करते हैं, यानी जो इन गॉट के ऊपर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, है ना, जिस और चिकने भी होते हैं, वेरी स्मूथ फील, जो हमें वेरी स्मूथ फील होते हैं, ठीक है। अब है कश्मीरी गॉट, कश्मीरी, और ध्यान कर लीजिए इसके नीचे एक और है कश्मीरी, कश्मीरी और कश्मीरी दोनों अलग अलग हैं, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है बेटा, हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम।
कश्मीरी गॉट के बारे में बात करते हैं। कश्मीरी गॉट, दीज आर फाउंड इन हायर प्लेटू ऑफ चाइना, मंगोलिया एंड तिब्बत। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? हायर प्लेटू में पाई जाती हैं, चाइना के, मंगोलिया के और तिब्बत के, ठीक है। द हेयरी स्किन ऑफ गॉट हैज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फाइन हेयर एंड कोर्स हेयर। फाइन कहते हैं बहुत ही अच्छे, और कोर्स कहते हैं खुरदरे, है ना। तो हेयरी स्किन ऑफ गॉट, जो हेयरी स्किन होती है इस गॉट की यानी कश्मीरी गॉट की, वो कम्बिनेशन होती है किसकी? साफ़ सुथरे बहुत अच्छे वाले हेयर्स एंड कोर्स खुरदरे हेयर। तो हम क्या करते हैं, द फाइन हेयर इज सेपरेटेड, ठीक है, फाइन हेयर को सेपरेटेड कर लेते हैं, सेपरेट यानी अलग कर लेते हैं, एंड प्रोवाइड्स द फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल, और हमें प्रोवाइड हो जाता है फाइबर वूल बनाने के लिए। कश्मीरी गॉट का यूज के बारे में बताते हैं बेटा। सर्टेन गॉट्स ऑफ कश्मीर यील्ड वूल हाई क्वालिटी टेक्सचर एंड वार्म्थ। जो सर्टेन पार्ट्स हैं, सर्टेन गॉट हैं फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर की, उनसे हमें क्या मिलता है, यील्ड बने मिलता है वूल ऑफ हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी का वूल मिलता है, हाई क्वालिटी टेक्सचर एंड वार्म्थ, जिससे हमें हाई क्वालिटी टेक्सचर, उस वूल का हाई क्वालिटी टेक्सचर और वार्म्थ भी मिलता है, ठीक है। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन प्रोवाइड वूल फाइबर दैट वोवन इनटू प्रीमियम पश्मीना शॉल। जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज होती है स्किन की हमारी, वो प्रोवाइड कराती है उस वूल को, वूल फाइबर को, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रीमियम बहुत बढ़िया क्वालिटी का मूल्यवान पश्मीना शॉल बनाते हैं, ठीक है बेटा। नीचे इसकी पिक्चर्स दी गई हैं। बात करते हैं कैमल की, देखिए कैमल के बारे में पढ़ते हैं, कैमल से भी हमें वूल प्राप्त होती है, ठीक है। कैमल वूल इज प्राइज्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटीफुल कलर्स। कैमल की जो वूल होती है बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसका जो कलर होता है, नेचुरल कलर, वो बहुत सुंदर होता है। द बेस्ट कैमल वूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम 200 बैक्टीरियन कैमल्स फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ साइबेरिया एंड मंगोलिया। तो बेटा जो बेस्ट क्वालिटी, द बेस्ट कैमल वूल, जो बेस्ट कैमल वूल होती है वो प्रोड्यूस होती है कहाँ पर, 200 बैक्टीरियन कैमल से, जो कहाँ पाया जाता है, माउंटेन ऑफ साइबेरिया और मंगोलिया में पाया जाता है। इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कैमल फैमिली आर फाउंड। 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर पाए जाते हैं किसकी फैमिली के, कैमल फैमिली के, कहाँ पर, एंडस माउंटेन में, ठीक है। दे आर एल्पाका, ललमा एंड विक्यूना, इनके नाम है बेटा ये 3, ठीक है। द वूल ऑब्टेंड फ्रॉम दिस एनिमल इज फाइन सॉफ्ट लाइट एंड लस्टर। तो इनसे जो हमें वूल, इन एनिमल से जो हमें वूल प्राप्त होती है बेटा, फाइन होती है, सॉफ्ट लाइट होती है एंड लस्टर होती है। देख लीजिए यहाँ पर पिक्चर दे रही है, दिखाई गई है बैक्टीरियन कैमल की और ललमा की। चलिए हम बात करते हैं शिप के बारे में, जिसको आप सब लोग जानते हैं, यानी भेड़। बल्क ऑफ वूल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड कम्स फ्रॉम शीप, मोर देन 95%। यानी विश्व का जो भी प्रोडक्शन होता है वूल का, यानी ऊन का, उसका 95% लगभग के आसपास, वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन हमें वर्ल्ड वाइड जो है शिप से प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड आर द लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ वूल। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड जो हैं, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो लीडिंग कमर्शियल प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े है ना आर्थिक प्रोड्यूसर हैं किसके, वूल के, है ना, वूल उत्पादन के। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वूल कम्स फ्रॉम मेरिनो शिप दैट ओज द इट्स ओरिजिन इन स्पेन। तो स्पेन में पाई जाने वाली जो एक मेरिनो शिप है, वो वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट वूल हमें प्रोड्यूस कराती है ना, देती है, गिव्स, है ना, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इन इंडिया द शिप, इन इंडिया द शिप आर, शिप आर रेयर्ड मेनली इन द हिली रीजन्स ऑफ हिमालयाज एंड द प्लेन्स ऑफ नेबरिंग स्टेट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। देखिए इंडिया में जो हम शिप को रियर करते हैं, यानी शिप, शिप के द्वारा, भेड़ के द्वारा हम रियर करने के बाद वूल प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, मेनली इन द हिली रीजन, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है मेनली, कि कहाँ का, हिमालय का, और एंड इसके प्लेन, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उसके प्लेन में। तो नेबरिंग प्लेन कौन कौन से, नेबरिंग स्टेट कौन से प्लेन में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो इन प्लेन्स में और हिली रीजन्स ऑफ हिमालय से हम जो है इंडिया में शिप को रियर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पढ़ते हैं हम, हमें कुछ एक टेबल दे रखी है बेटा यहाँ पर,
द इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ इंडियन शेप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक तरफ हमारे पास नेम दे रखे हैं, ठीक है, ब्रीड के, ठीक है, तो ये ब्रीड का मतलब जाति है ना, उनकी नस्ल, ठीक है, और यहाँ पर रीजन ऑफ रियरिंग दे रखा है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि किस नस्ल की हम जो है भेड़ को रियरिंग करते हैं कहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। नाउ शिप रियरिंग एंड ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर रियर की जाती है, कहाँ इनकी ब्रीडिंग होती है, किस तरह से होती है, उसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल कंट्री वेयर डोमेस्टिकेशन कैटल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ फार्मर एंड इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। देखिए इंडिया जो है प्रोविडेंटली एक क्या माना जाता है, एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश माना जाता है ना, वेयर डोमेस्टिकेशन, जहाँ पर जो कैटल यानी पशुओं को पालना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मर्स की लाइफ में, जो कि इफेक्ट करता है इकोनॉमी को हमारे कंट्री की, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शिप डोमेस्टिकेशन इज ब्रिंगिंग अप और रेजिंग, है ना, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है शिप का डोमेस्टिकेशन का क्या करता है, ब्रिंगिंग अप है और रेजिंग भी है, दिस इज कॉल्ड रेयरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरिंग बोलते हैं। रेयरिंग ऑफ शिप इन्वॉल्व्स प्रॉपर प्लानिंग ऑफ शेल्टर एंड टेकिंग केयर ऑफ बेसिक हाइजीन। देखिए रेयरिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें होता है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ शेल्टर, कि हमें प्रॉपर तरीके से उनको शेल्टर देनी है, उन्हें रखना है रख रखाव, एंड टेकिंग केयर ऑफ इट्स बेसिक हाइजीन, और उनकी साफ सफाई की प्रॉपर तरीके से हमें क्या करनी है, साफ सफाई की तैयारी रखनी है ना। इट आल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द शिप विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, और हमें क्या करना होता है, शिप को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना होता है, प्रिवेंटिव डिसीज मैनेजमेंट एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो उसमें हमें उनको डिसीज से बचाने के लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग और सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ती है। शिप डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर, तो शिप को भेड़ों को रखने के लिए हमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर शेल्टर की जरूरत नहीं होती, अलग की जरूरत नहीं होती। दे आर जनरली कैप्ड इन एन ओपन यार्ड, एक वो खुले मैदान में रखी जाती है विद फेंस अराउंड इट, जिसके चारों ओर हम चार दीवारी कर देते हैं। एन इनक्लोजर ऑफ 15 मीटर बाय 15 मीटर इज सफिशियंट टू कीप 40 to 50 शिप, 40 से 50 भेड़ों को रखने के लिए 15 by 15 यानी 15 by 15 का मैदान जो होता है वो इनफ होता है, सफिशियंट होता है। शीप फीड ऑन ग्रीन नेचुरल ग्रास वीड्स हर्ब्स एंड फार्म वेस्ट, तो शीप जो है फीड करती हैं ग्रीन नेचुरल ग्रास पर, वीड्स पर, हर्ब्स पर और फार्म वेस्ट पर। इन विंटर वेन ग्रेजिंग इज आउट ऑफ बाउंड्स, जब ग्रेजिंग आउट ऑफ बाउंड हो जाती है तो शिप को हम इंडोर अंदर रख लेते हैं। एंड फेड ऑन ड्राई फूडर्स एंड ग्रेन, तो ड्राई फूडर्स और ग्रेन्स पर वो अपना फीड करती रहती हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वूल, अब वूल की जो प्रोडक्शन है उसकी वूल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑफ अवर इंडिजिनस, जो हमारी इंडिजिनस शिप है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अंडरटेकन, तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को हम अप्लाई करते हैं। अंडरटेकन ए नंबर ऑफ रिसर्च, जो हमारी नंबर ऑफ रिसर्च, कई कई रिसर्च होती हैं, रिसर्च सेंटर होते हैं इन अवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पर क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम चलते हैं। ड्यूरिंग सच ट्रायल्स, तो वहाँ पर कुछ ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स में क्या होता है, इंडिजीनस एंड एक्जोटिक ब्रीड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर वूल क्वालिटी एंड मटन, जहाँ पर ट्रायल्स होते हैं सुपीरियर क्वालिटी की वूल और मटन को, है ना, प्राप्त करने के लिए ट्रायल्स चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, देख लीजिए। इसके बाद आया द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स चूजन फॉर ब्रीडिंग आर वूल टाइप, फ्लॉकिंग, इंस्टेक्ट, जनरल अपीयरेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिसीज, रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड टॉलरेंस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। देखिए क्या हुआ इसका मीनिंग, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ऑफ पेरेंट चूजन, जो हमने पेरेंट चूज किए हैं फॉर ब्रीडिंग के लिए, आर वूल टाइप, है ना,
वो फ्लॉकिंग इंस्टेक्ट, जनरल अपेरेंस और रेजिस्टेंट टू डिसीज एंड टॉलरेंस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, इस सुपीरियर क्वालिटी शिप विद डिज़ायरेबल, एक सुपीरियर क्वालिटी की शिप है विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायर्ड होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विल बी फॉर्म्ड वो हम बनाते हैं इवेंचुअली आफ्टर कंटिन्यूस सिलेक्शन। वो कई कई सिलेक्शन करने पड़ते हैं, कई कई हमें क्या करने पड़ते हैं, रिसर्च करने पड़ते हैं, तब हमें जाकर एक डिज़ायर्ड क्वालिटी की एक क्या मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हमें वूल प्राप्त होती है एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम मिलते हैं। सच प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव पेरेंट्स, तो इस तरह के जो हम पेरेंट्स जो है, अच्छी क्वालिटी के जो पेरेंट्स होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स चूज़ करते हैं ब्रीडिंग के लिए, सेलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सर्टेन ट्रेंड्स यूनिफॉर्मली इन द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हमें है ना क्या करना होता है, सर्टेन ट्रेड्स ऑफ यूनिफॉर्मली ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटीज यहाँ दे रखी है बेटा, आप इसको पढ़ लेंगे। तो आज हमने बेटा आपको 3 पेज का रीडिंग करा दिया है, इसके नेक्स्ट जो पोर्शन बचा हुआ है इसकी रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, 2-3 टाइम्स रीडिंग करें, जितनी बार आप रीडिंग करेंगे उतना अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग, और उतना अच्छा आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही।